हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग वर्ल्ड क्लासेस। और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी विद पूर्णिमा। तो अकाउंटेंसी क्या है? सबसे आसान है, तो चलिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। किसका सेकंड पार्ट? एनपीओ का। प्रीवियस वीडियो जो अपलोड हुई थी वो थी हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आप सभी ने वो अच्छे से देखी होगी और उसको अच्छे से समझा होगा। और अगर समझ में आ गया है तो कमेंट कर दीजिएगा क्रिस्टल क्लियर कि आपको वो अच्छे समझ में आ गया है। ये हमने कल बेसिक समझा था, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, कितने मार्क्स का आपके टर्म टू के एग्जाम में आने वाला है, क्या मीनिंग है आपका, जब इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होती है उसमें हम क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, ये हमने सब कुछ पढ़ा था। उसके बाद हमने ये पढ़ा था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंसेस किए थे, क्लियर। ये हमारा प्रीवियस वीडियो में हुआ था, जो कि मैंने आपको 1 मिनट में क्विक रिवीजन बता दिया है कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या किया था। टुडे वी स्टार्ट टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आई टोल्ड यू येस्टरडे कि हम आज जो करेंगे सेकेंड वीडियो में हमारा होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, देन थर्ड वीडियो में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर हम फोर्थ वीडियो में इसको वाइंड अप कर देंगे इस चैप्टर को। तो आई होप आपका ये 4 वीडियो में चैप्टर जो है कम्प्लीट हो जाएगा, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, करते हैं हम इसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है, चलिए उसको कर लेते हैं पहले स्टार्ट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्लियर दिख रहा है आपको सभी को? तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम क्या, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले ये समझना होगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो हमारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है, वो किससे रिलेटेड होनी चाहिए? करंट ईयर, प्रीवियस, करंट ईयर हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया आपका, और आपका नेक्स्ट ईयर हो गया। मतलब अगर इनसे रिलेटेड कोई भी आपका रिसीव्ड है या आपका कोई पेमेंट है, रिसिप्ट है या पेमेंट, आपने कोई भी करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर में, नेक्स्ट ईयर में कोई भी रिसिप्ट किया है, कोई पेमेंट है, तो आप उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, क्लियर। सेकेंड चीज आपका रिवेन्यू नेचर है, शायद चाहे वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू पेमेंट, या फिर कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल पेमेंट्स होने चाहिए। इन दोनों बोथ नेचर की ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, क्लियर है इतनी चीज? चलिए इतनी चीज समझ में आ गई होगी। चलिए इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं एक बार क्या है ये। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या होता है? समरी होती है किसकी? कैश की। कैश में इंक्लूडिंग है बैंक। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, रिसिप्ट एंड पेमेंट बीइंग शोन अंडर अप्रोप्रिएट हेड ऑफ अकाउंट्स, क्लियर है। इसका जो स्टार्टिंग होती है ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस से होती है, और एंड होता है क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस पे। इसका जो डिफरेंस आता है डेबिट और क्रेडिट साइड का, वो क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस आता है। अगर इस साइड आता है तो डेबिट साइड आपका ओवरड्राफ्ट आ जाता है, इस साइड आपका बैलेंस आ जाता है अकाउंट। रिसिप्ट आर शोन इन द डेबिट साइड, रिसिप्ट का शो होती है, डेबिट साइड रिसिप्ट शो होती है, क्रेडिट साइड पेमेंट शो होती है, इज दैट ओके? चलिए, वेयर एज पेमेंट आर शोन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ एवरी नेचर, एवरी नेचर मतलब कैपिटल नेचर, रिवेन्यू नेचर, ये लिखा है, आप बहुत रिकॉर्ड करेंगे, रिलेट चाहे करंट ईयर से रिलेट करते हो, चाहे प्रीवियस ईयर से रिलेट करते हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर से रिलेट करते हो, इज दैट ओके? इतनी चीज समझ में आ गई? चलिए वेरी गुड, यहाँ तक समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर लिख के कमेंट कीजिएगा कि आपको इतनी चीज क्लियर हो गई है। अब फॉर्मेट देखते हैं, फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फॉर्मेट क्या है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, चलिए चेक कर लेते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, दीज आर डेबिट साइड ऑल रिसिप्ट एंड क्रेडिट साइड ऑल पेमेंट, ये आपकी सब पेमेंट्स है। अगर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक का बैलेंस क्रेडिट है, तो आप यहाँ पर बैलेंस भी लिखेंगे और अदरवाइज यहाँ पर लिखेंगे डेबिट साइड। सब्सक्रिप्शन रिसीव किया आपने करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर का, जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन, ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पज, एंट्रेंस फीस, जनरल ग्रांट्स, सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल्स ऑफ ओल्ड और यूज स्पोर्ट्स मटीरियल, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, मिसलिनियस रिसीप्ट, लाइफ मेंबरशिप फीस, जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबरशिप फीस पे करते हैं, सब्सक्रिप्शन है कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए, लीगेसीज हैं जनरल और स्पेसिफिक पर्पज के लिए, एंडोमेंट फंड, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, रिसिप्ट ऑन अकाउंट और स्पेसिफिक फंड, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी डेबिट हो जाएंगी, क्लियर। क्रेडिट साइड और पेमेंट है, ये सारे जो हैं आपने पेमेंट करे हैं, सैलरीज, रेंट, पोस्ट एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, न्यूज़पेपर, मैगजीन, प्रिपेयर्स, ऑडिट फीस, मेंटेनेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस, ऑनरेरियम, म्यूनिसिपल टैक्स, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एक्सपेंस, एक्सपेंशन शो, मिसलिनियस पेमेंट्स, दीज ऑल आर पेमेंट्स।
डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड को माइनस करेंगे, आपका बैलेंस ही दिया जाएगा, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर है? ठीक है, अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, ये वाली अमाउंट, तो यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा ओवरड्राफ्ट। इज दैट ओके? क्लियर हो गई इतनी चीज? चलिए, आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। एक बार फॉर्मेट को 2 times रीड कर लीजिएगा कि यहाँ पर हमने पेमेंट, वैसे क्वेश्चन में पता चल जाएगा क्या चीज़ आपकी रिसिप्शन, क्या चीज़ आपकी पेमेंट है। क्लियर? ये लीगेसीज है, डोनेशन है, एंट्रेंस फीस है, सब्सक्रिप्शन है, ये सब हमारी क्या होती हैं, ये सब हमारी इनकम होती है। क्लियर? चलिए, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक, तो क्वेश्चंस खोल लेते हैं इसके, आपके पास बुक है तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और इन्होंने कहा है कि आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना दीजिए। तो चलिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो हम बना लेंगे। बुक सभी के पास ओपन है, अदरवाइज नहीं है तो आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए जल्दी से, मैं फॉर्मेट तैयार कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2020। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट बन गया। चलिए, दिस डेबिट साइड ऑल रिसिप्ट, क्रेडिट साइड ऑल पेमेंट। आप सभी ने क्वेश्चन को चेक कर लिया होगा, रीड कर लिया अच्छे से। तो चलिए, अब करते हैं सॉल्यूशन। ठीक, क्वेश्चन हटा दिया है मैंने क्योंकि आपने बुक से ओपन कर सकते हैं। आपको पहले गिवन है ओपनिंग कैश, कैश इन हैंड। ठीक है, एक सेकेंड। ओपनिंग कैश की मैंने 2, कैश कितनी अमाउंट है आपकी 4390। सब्सक्रिप्शन गिवन है, फिर जो आइटम्स गिवन थे उसी के अकॉर्डिंग करेंगे लाइन वाइज। सब्सक्रिप्शन 37,600, डोनेशन 8,000, एंट्रेंस फीस 4,300, रेंट रिसीव्ड फॉर क्लब होल्स, रेंट रिसीव किया है आपने फॉर क्लब, कितना है 5,250। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वो यहाँ पर आ जाएंगे बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, हाउ मच 3,440। टैक्सेस पेड 490, बाय सैलरीज 21,500, बाय ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी। ऑनरेरियम एज अ गेस्ट ऑनर हम देते हैं ना, तो वो ऑनरेरियम यानी कि पे किया आपने, टू सेक्रेटरी है ना, किसी को आपने पे किया है 2,500। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 2,950, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 350, बाय पैटी कैश एक्सपेंसेस, पैटी कैश एक्सपेंसेस 900, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 310। ठीक,
इतना ही था आपके क्वेश्चन में, तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब इसका डेबिट क्रेडिट बैलेंस फाइंड कर लेते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर वन, इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है? चलिए कर लेते हैं। 4390 प्लस 37600 प्लस 8000 प्लस 4300 प्लस 5250 प्लस 2950, टोटल है 62490, ठीक। अब इसमें से माइनस कर देते हैं 3440 माइनस 490 माइनस 21500 माइनस 2500 माइनस 350 900 310, तो 33000 का आपका क्या आ जाएगा बाय क्लोजिंग कैश, है ना? क्लोजिंग कैश 33000 का बैलेंसिंग फिगर, टोटल हो गया 6249। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, इसमें भी ये कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर टू दिख रहा है सभी को। बेंगल क्रिकेट क्लब वॉज इनॉग्रेटेड ऑन 1st अप्रैल 2019। इट हैड द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर 31st मार्च 2020। तो चलिए इसको क्वेश्चन कर लेते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं पहले, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इस क्वेश्चन में तो क्लियरली लिखा है, तो इसको जल्दी से आप पुट कर सकते हैं फॉर्मेट में। फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020, रिसिप्ट्स रुपीज, पेमेंट रुपीज। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन का फॉर्मेट मैंने रेडी कर दिया है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलिए करते हैं। रिसिप्ट्स क्या हैं? टू एंट्रेंस फीस 10,000, टू सब्सक्रिप्शन 60,000, टू डोनेशंस 10,000, बाय रेंट 15,000, बाय पोस्टेज 1,000, बाय न्यूज़पेपर एंड मैगजीन 8,000, बाय इन्वेस्टमेंट 30,000, बाय स्टेशनरी 4,000, बाय एंटरटेनमेंट एक्सपेंस 3,000, बाय मिसलिनियस एक्सपेंसेस 2,000, ठीक है? चलिए इसको कर देते हैं। 10,000, 60,000, 10,000, that is 80,000 आपका टोटल हो गया। इसमें से माइनस करते हैं 15,000, 1,000, 8,000, 30,000, 4,000, 3,000, 2,000, 17,000 आपका आ गया क्लोजिंग कैश बैलेंस बाय कैश बैलेंसिंग फिगर 80,000, ठीक है? ये है आपका। तो चलिए 15 मिनट्स की वीडियो रखते हैं, इसमें हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आई होप आप सभी को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, समझ में आ गए हैं, क्रिस्टल क्लियर लिख के कमेंट कीजिएगा। आगे के जो भी क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगी। फिर ये जो 4, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन हैं इनको कंप्लीट करेंगे।
देखिए ये क्वेश्चन है, हो सकता है मेरे पास पुराना एडिशन हो, आपके पास नया एडिशन हो, तो कोई नहीं, आप बुक ले लीजिएगा, जैसे भी है, ऊपर नीचे अप डाउन है क्वेश्चन में बस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।